पुष्पेंद्र एनकाउंटर पर सपा के सात सवाल, एनकाउंटर को बताया फर्जी, पुलिस की थ्योरी पर प्रश्न, सिटिंग जज से जांच कराने की मांग। पर गोली मारी, एक ने इधर से मारी, दूसरे ने साइड लगी, एक साइड। मेरे पति उनकी कार लेके जब भागे थे तो उनको, अगर वो भाग रहे थे पीछे कहीं गोली लगती, सिर पे नहीं लगनी चाहिए थी ना, पकड़ के मारा मेरे पति को जबरदस्ती। जो पुष्पेंद्र यादव उनकी मौत हुई है, तो ये एनकाउंटर जो है जिसको वो फेक बनाने का कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने 5 साल फेक सरकार चलाई। ये पुलिस ने जान बूझ कर करके, ये एनकाउंटर नहीं है, ये पुलिस ने हत्या की है। झांसी में पुष्पेंद्र एनकाउंटर पर सियासत, परिजनों के आरोप और सरकार की सफाई के बीच सपा का हमला जारी है। बुधवार को अखिलेश ने परिजनों से मुलाकात की थी, तो गुरुवार को भी सरकार पर अखिलेश हमलावर रहे। अखिलेश ने कहा कि यूपी में राम राज्य नहीं, नाथू राम राज्य चल रहा है। अखिलेश ने कहा कि पुष्पेंद्र का फर्जी एनकाउंटर किया गया, एक नौजवान की हत्या कर दी गई फर्जी एनकाउंटर दिखा करके। और आज के जमाने में तो सब कुछ अवेलेबल है, सीसीटीवी है, अगर वो गाड़ी चोरी करके भाग रहा था तो वो सब कुछ होगा सीसीटीवी में कहीं ना कहीं, या कोई चला करके आ रहा होगा तो वो भी सीसीटीवी में होगा। जिन लोगों की भूमिका है इसमें, क्या लोकेशंस नहीं पता लग जाती हैं आज? इसलिए ये हत्या हुई है, हत्या। सपा ने एनकाउंटर से जुड़े 7 सवाल सरकार से पूछे हैं। एनकाउंटर का समय क्या था? रात में एनकाउंटर तो दिन भर लाश क्यों घुमाते रहे? शाम को क्यों पोस्टमार्टम कराया गया? परिवार और पुलिस के बयान में अंतर क्यों? गाड़ी में सीट के पीछे खून था? एम्बुलेंस कैसे पीछे पीछे चल रही थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई? इस एनकाउंटर के बाद पुलिस की थ्योरी पर सपा ने सवाल उठाने के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरा है, और सरकार मामले पर फेक राजनीति का आरोप लगा रही है। अभी तक सोनभद्र और शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के मामले में पीछे रहने वाली सपा इस मामले में पूरे तेवर से मैदान में है, पर परिजनों की न्याय की आस कैसे पूरी होगी? सियासत के बीच सच की पहेली कैसे हल होगी, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र के महासमर में सीएम योगी ने जलगांव में चुनावी रैली की, कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। रिपोर्ट देखिए।